ये देखिए करेला का भरवा कितना टेस्टी बना है। इसे बनाना तो बनता है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा। आप सबका स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि किचन में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए करेला का भरवा बनाना शुरू करते हैं। करेला का भरवा बनाने के लिए यहाँ पर 1 केजी करेला लिए हैं। इसे अच्छी तरह धो लिए हैं। तो सबसे पहले करेला को काट लेंगे। इसी तरह सभी करेला को बीच से काट लेंगे। सभी करेला को काट लिए हैं। अब इसे उबाल लेंगे। यहाँ पर पानी को गर्म कर लिए हैं और इसमें उबाल आने लगा है, तो अब इसमें करेला डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, हल्दी पाउडर 1 चम्मच। सभी को अच्छी तरह मिला देंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए हाफ बॉइल करेंगे 10 मिनट तक। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। दस मिनट हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद पानी से निकाल लेंगे। अब चम्मच के डंडी से इस तरह से बीज को निकाल लेंगे। इस तरह से सभी करेला का बीज को निकाल लेंगे। सभी करेला का बीज को निकाल लिए हैं। अब इसे मिक्सी में पीस लेंगे। मीडियम साइज 6 से 7 प्याज, मीडियम साइज 4 से 5 टमाटर, इस दोनों को पीस लिए हैं। करेला का बीज को पीस लिए हैं। 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, जीरा 1 चम्मच, 2 हरी मिर्च कटे हुए, 1/4 चम्मच। सभी का हल्का कलर चेंज हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकंड इसी तरह भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच। सभी को अच्छी तरह मिला देंगे और इसी तरह भूनेंगे 1 मिनट। अब इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। पिसा हुआ करेला का बीज, टमाटर का पेस्ट, सभी को अच्छी तरह मिला देंगे। नमक 1 चम्मच, नमक को अच्छी तरह मिला दिए हैं। फ्लेम को तेज कर देंगे और इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए 10 मिनट भूनेंगे।
10 मिनट हो चुका है। अब इसमें 2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर को अच्छी तरह मिला दिए हैं। अब इसे तब तक भूनेंगे जब तक मसाला से तेल न छोड़ने लगे। मसाला से तेल छोड़ने लगा है तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद करेला में भर लेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है तो अब करेला में मसाला को भर लेंगे। इस तरह से सभी करेला में मसाला को भर लेंगे। सभी करेला में मसाला को भर लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा कटोरा सरसों तेल को गरम कर लिए हैं। अब करेला को फ्राई करेंगे। फ्लेम को तेज रखेंगे और इसे पलट पलट कर फ्राई करेंगे 5 मिनट। इसे फ्राई कर लिए हैं और इसका हल्का कलर चेंज हो चुका है तो अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सभी करेला को फ्राई कर लेंगे। ये करेला का भरवा पूरी तरह बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।